करें इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, तो आपका जो जिम्नोस्पर्म है वो आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, जिम्नो एनजीओ दोनों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। इसका मतलब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, इनकी जो स्पोरोफाइट है उसमें रूट स्टेम लीफ आएगी। अब अगर इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हर्ब नहीं होते, ये शब से लेकर ट्री तक हो सकते हैं, ट्री में भी मीडियम साइज या बिग, यहां तक कि बिगेस्ट ट्री जिसे हम रेडवुड ट्री बोलते हैं क्योंकि उसकी लकड़ी होती है लाल सिकोया, ये जिम्नोस्पर्म का ही एग्जांपल है। अब अगर हम इसकी बात करें रूट की, तो रूट इसमें आमतौर पर जनरली टैप रूट पाई जाती है, जनरली बोला है ऑलवेज नहीं, ध्यान रखना। स्टेम बात करें तो स्टेम इसकी अनब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच भी। अब अनब्रांच का एग्जांपल बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तुरंत घट से दिमाग में आ जाएगा, साइकस, अर्थात साइकस जो है इसकी स्टेम अनब्रांच है। और ब्रांच का एग्जांपल पीसी ट्री याद रखो, पर्सनल कंप्यूटर, जैसे दुनिया में पर्सनल कंप्यूटर फैले हुए हैं बिल्कुल ब्रांच है, वैसे ही आपकी ट्रिक यहां पर हो गई ब्रांच की, क्या पीसी, पाइनस सिट्रस, पाइनस सिट्रस, पाइनस सिट्रस। अब अगर हम बात करें इनकी लीव्स की, तो लीव्स बेटा दो प्रकार की होती है, सिंपल और कंपाउंड, इनमें दोनों तरीके की लीव्स पाई जाती है, सिंपल भी और कुछ में कंपाउंड। अच्छा, जो जिम्नोस्पर्म होता है वो बेटा ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी और उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर झेलने की ताकत रखता है। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म ने अपना एवोल्यूशन इस तरीके से किया है कि एक ऐसा ग्रुप बनाया प्लांट का जो विदस्टैंड कर सकता है, लड़ सकता है हार्श एनवायरमेंट को। अब बेटा ये वाटर के, इनकी जो लीफ होती है वो वेल अडाप्टेड होती है पानी को बचाने के लिए, अर्थात वाटर का लॉस कम हो इसके लिए इनकी लीफ वेल अडाप्टेड होती है। एग्जांपल के तौर पर इनके बहुत सारे मेंबर की लीफ पिनेटली होती है, अर्थात निडिल लाइक लीफ होती है। निडिल लाइक होने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम, तो वाटर लॉस क्या होगा, कम। उसके साथ साथ क्यूटिकल की लेयर की वजह से भी वाटर लॉस क्या होगा बेटा, कम। उसके साथ साथ स्टोमेटा इनके धसे हुए होते हैं, संकेन होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम, तो वाटर लॉस कम। तो लिटिल लाइक लीफ होने की वजह से सरफेस एरिया कम, वाटर लॉस कम, थिक क्यूटिकल होने की वजह से वाटर लॉस कम, और संकेन स्टोमेटा होने की वजह से वाटर लॉस कम। इनका एक मेंबर है साइकस, आपका साइकस जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, जिसकी स्टेम क्या होती है अनब्रांच, साइकस जो होती है इसकी जो पिनेट लीफ होती है वो कुछ सालों तक, सोचो लीव, एक लीव कुछ सालों तक, कहोगे सर कुछ ही साल, अरे बेटा लीव बेटा एक महीना डेढ़ महीने से ऊपर नहीं टिकती है एंजियोस्पर्म में, लेकिन साइकस की लीव कुछ सालों तक आपकी बिल्कुल एज इट इज बनी रहती है। तो मैं बोल सकता हूँ और जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स है वो विदस्टैंड कर सकती है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड की वेलोसिटी। आप जल्दी से देखिएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मतलब एक स्पर्मासी, ओवरी आर नॉट इनक्लोज बाय ओरिगोल, एक्सपोज रहते हैं बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर श्रब मीडियम साइज टू टॉल ट्रीज, आपका टॉलेस्ट ट्री जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया, इसके बाद रूट जनरली टैप रूट, इसके अनब्रांच साइकस, ब्रांच में पाइनस और सिट्रस। अच्छा, लीफ सिंपल कंपाउंड दोनों होती है, साइकस की पिलनेट लीफ कुछ सालों तक बनी रहती है, तो जिम्नोस्पर्म की लीफ है अडाप्ट होती है ताकि विदस्टैंड कर सके एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। अच्छा, नीडल लाइक लीफ की वजह से सरफेस एरिया कम, तो वाटर लॉस कम, थिक क्यूटिकल की वजह से वाटर लॉस कम, और स्टोमेटा धसे होने की वजह से वाटर लॉस कम। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में बेटा एक फेमस एग्जांपल है आपका पाइनस। पाइनस की जो रूट होती है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाती है और ये एसोसिएशन कहलाता है माइकोराइजा, माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट, रूट ऑफ फायर प्लांट अर्थात जिम्नोस्पर्म के साथ। जिम्नोस्पर्म में भी अगर एग्जांपल पूछे फेमस एग्जांपल है पाइनस, ये दोनों एसोसिएट होकर क्या बनाते हैं माइकोराइजा, जिसमें फंजाई क्या करता है वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, बदले में प्लांट उसे क्या देता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और दूसरे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है फंजाई को, और इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे का फायदा करा रहे हैं, इसलिए इस इंटरेक्शन को हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। अच्छा, अगर मैं साइकस की बात करूं, साइकस याद करो, साइकस का तीसरा पॉइंट आ रहा है, साइकस का एक पॉइंट आया आपका निडिल लाइक लीफ जो परसिस्ट कर सकती है कुछ सालों तक, साइकस की स्टेम क्या होगी अनब्रांच, और ये तीसरा पॉइंट सी से साइकस, आपका सी से कोरलाइट रूट। साइकस जो है उसमें कोरलाइट रूट बनती है जो क्या करती है, जो एसोसिएट होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। अब इसमें दोनों का फायदा होता है, साइकस का भी और साइनोबैक्टीरिया का भी। एक ट्रिक याद रखो, ट्रिपल सी, सी से साइकस, सी से साइनोबैक्टीरिया, सी से कोरलाइट रूट, क्लियर। साइकस की कोरलाइट रूट किसके साथ, आप किसके साथ एसोसिएट होती है आपकी साइनोबैक्टीरिया के साथ। अगर हम बात करें पाइनस की, तो बेटा याद रखना इसे बिल्कुल बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिख दिया, इसलिए पाइनस आपका मोनोशियस है, साइकस आपका डायोशियस है, पाइनस मोनोशियस, साइकस डायोशियस, क्लियर। अच्छा, साइकस का देखो चौथा पॉइंट आ गया कि साइकस आपका क्या होता है डायोशियस। चलो, फंजाई प्लस रूट ऑफ सम जेनरा अर्थात जीनस, जैसे पाइनस,
आपका क्या मिलकर बनाता है माइकोराइजा। साइकस है कुछ खास प्रकार की रूट जिसे बोलते हैं कोलाइड रूट, और ये जुड़ी होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से, दोनों एक दूसरे का फायदा कराते हैं। पायस आपका मोनोशियस, साइकस आपका डायोशियस। ये हो गई कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। नाउ दिस इज द बेस्ट फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखा बेटा होता क्या है, इनमें इनकी प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेल कोन और फीमेल कोन, ठीक है। थोड़ा जूम करके देखिएगा इसे, आपके मेल कोन जिन्हें हम स्ट्रोबलाई बोल दें या लैक्स बोल दें या माइक्रोस्पोर एंजेट, मैंने बताया था माइक्रोवर्ड किससे रिलेटेड है, मेल से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेल स्ट्रोबलाई ही लैक्स है और यही है माइक्रोस्पोर एंजेट और यही है कोन, ये डिप्लॉयड है, इसका मतलब ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है। वैसे ही फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबलाई फीमेल लैक्स या इसी को बोलेंगे मैक्रोस्पोर एंजेट। मैक्रोवर्ड किससे रिलेटेड बेटा, फीमेल, याद करो ट्राइटोफाइटा हमने अभी रिवाइज किया था, माइक्रोस्पोर मैक्रोस्पोर, क्लियर, माइक्रो रिलेटेड टू मेल, मैक्रो रिलेटेड टू फीमेल। तो बेटा यहां पर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, देखना ये आपकी कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस कोन लाइक स्ट्रक्चर में ढेर सारी लीव्स होती हैं और ये जो लीव्स होती हैं इन्हीं में माइक्रोस्पोर होते हैं। तो इस फिल का मतलब हुआ लीफ, और तो मैं इस बोल सकता हूं हर एक लीफ को माइक्रोस्पोरोफिल, ढेर सारी माइक्रोस्पोरोफिल एक एक्सिस के चारों तरफ स्पायरली लगी होती है और हर एक लीफ को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, पूरे कोन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। एंजियम मतलब क्या होता है बेटा, आशियाना, अर्थात माइक्रोस्पोरोफिल का ये पूरा कोन अर्थात ये पूरा घर कहलाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक लीफ कहलाएगी आपकी माइक्रोस्पोरोफिल जो आपकी एक एक्सिस के चारों तरफ स्पायरली लगी होती है। अब अगर हम एक माइक्रोस्पोरोफिल एक लीफ की बात करें तो एक लीफ में लगभग दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, वो भी क्या है डिप्लॉयड। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, बिल्कुल एंजियोस्पर्म वाली कहानी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस फर्स्ट, माइक्रोस्पोर डायाड मियोसिस सेकंड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और फिर टेट्राड से चारों माइक्रोस्पोर स्पोर अलग होंगे। अब बेटा जैसे ही एन बना तो समझ जाना यहां से माइक्रोस्पोर से ही आपका क्या शुरू हो गया, गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब माइक्रोस्पोर आपका डेवलप होकर बनाएगा पोलन ग्रेन जो आपका मेल गैमेटोफाइट है। अब देखना बेटा पॉलन ग्रेन में इस वाले पोर्शन को चाहो तो इस वाले पोर्शन को आप नहीं भी पढ़ोगे कोई बात नहीं, ठीक है, इसे मत पढ़िए, फालतू इन्फॉर्मेशन मत स्टोर कीजिए, ठीक है। वरना बेटा जिम्नोस्पर्म क्या, सिर्फ साइकस साइकस की बात करो ना तो बेटा साइकस की लीफ पर लोग रिसर्च करते हैं, तो जबरदस्ती एक्स्ट्रा वैलेंट फालतू इन्फॉर्मेशन लेके कभी नीट नहीं निकलने वाले, इसको दिमाग में डाल लो, कहो तो डराने के बहुत कुछ बता दे, ठीक। अब इधर देखना तो बेटा माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं जो आपके क्या कहलाएंगे पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन में दो तरीके की सेल, पोलन ट्यूब सेल, इसका भी नाम भूल जाओ कोई बात नहीं, ये याद रखना, जेनरेटिव सेल, ये आपकी जो जेनरेटिव सेल होती है पोलन ग्रेन के अंदर जेनरेटिव सेल, ये डिवाइड करती है दो मेल गैमेट बनाती है, ठीक है। अब समझना अच्छे से, एंजियोस्पर्म में भी दो मेल गैमेट बनते हैं तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन यहां पर एक मेल गैमेट आपका डीजेनरेट कर जाता है, क्लियर, इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा जो आपका दूसरा मेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट तो इमोटाइल नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, अब ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा, क्लियर, जायगोट आपके किसके अंदर होंगे बेटा, सीड के अंदर ही बेटा जायगोट बनाएगा। अब जैसे जायगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन हुआ, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, जायगोट डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा, एम्ब्रायो आपकी अल्टीमेटली एक मैच्योर प्लांट बना देगी। अब आइए फीमेल गैमेट देखते हैं बेटा कैसे बना, फीमेल गैमेट की कहानी देखो, इसमें भी वही कहानी, कोन बना लेकिन यहाँ मैक्रोस्पोरेंजियट, हर एक लीफ का नाम मेगास्पोरो मेगास्पोरोफिल, यहाँ पर क्या नाम था माइक्रोस्पोरोफिल। अब बेटा माइक्रोस्पोरोफिल के में माइक्रोस्पोरेंजिया से मेगास्पोरोफिल पे लगे होंगे मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया ही एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है। जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में दो चीजें होती हैं, इनका ओव्यूल दो चीजों से बना है, न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट, और न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट नहीं पाए जाने की वजह से टेंटोफाइटा में मैंने आपको बताया था कि उनका उनमें जो सीड लाइक स्ट्रक्चर बनी थी वो ट्रू सीड नहीं कहलाती क्योंकि न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट नहीं था। तो आपका जो मेगास्पोरेंजियम है वही ओव्यूल है और ओव्यूल बना है इनका, या बोल दीजिए मेगास्पोरेंजिया बना है न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट से। अब मेगास्पोरेंजिया के अंदर होगी मेगास्पोर मदर सेल, जैसे यहां पर क्या थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस फर्स्ट माइक्रोस्पोर डायाड मेगास्पोर डायाड, मियोसिस सेकंड माइक्रोस्पोर टेट्राड मेगास्पोर टेट्राड, क्लियर। अब यहां पर क्या हुआ था बेटा, माइक्रोस्पोर बन गए थे, यहां पर क्या बन गया मेगास्पोर, क्लियर। अब ये जो आपका मेगास्पोर है, समझना बेटा, मेगास्पोर डेवलप होकर मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है,
अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा इसी में बेटा पाए जाएंगी दो या दो से ज्यादा आर्सीगोनिया अर्थात फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर प्रोड्यूस होगा फीमेल गैमेट। इसको आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मेगास्पोर डेवलप होकर क्या बनाएगी, एक मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर, और वो गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे दो या दो से ज्यादा आर्सीगोनिया, या बोल दो आर्सीगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, और उसी के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। बस मेल फीमेल गैमेट दोनों मिलकर जायगोट, जायगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो तुम्हारा किसमें हो जाएगा बेटा, क्या एम्ब्रायो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या बना देगा, मैच्योर प्लांट। तो एक बार जल्दी से दोबारा देख लो दोनों के कौन, माइक्रोस्पोरेंजिएट मैक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया एक ओव्यूल है जो बना न्यूक्लियस और इंट्यूगमेंट से, माइक्रोस्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस फर्स्ट दोनों का डायड दोनों का टेट्राहेड, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर आपका पोलन ग्रेन बनाएगा, अल्टीमेटली आपके दो मेल गैमेट बनेंगे, लेकिन एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ डीजेनरेट, इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए दो मेल गैमेट चाहिए ना, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इवेंट टू एंजियोस्पर्म। अब यहां देखो मेगास्पोर आपका डेवलप होकर मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसमें दो या दो से ज्यादा आर्सीगोनिया होगा, आर्सीगोनिया आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, अब इसी के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, अल्टीमेटली जायगोट फ्यूज करके बनाएंगे ये, जैसे जायगोट बना फर्टिलाइजेशन हुआ ओव्यूल स्टार्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होने लगेगा सीड में, और जायगोट बनाएगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो अल्टीमेटली दे देगी मैच्योर प्लांट। क्लियर है ये बात? अच्छा अब बेटा इस बात को दिमाग में रखो ठीक है कि आपका जिम्नोस्पर्म में आमतौर पर एयर पॉलिनेशन होता है, क्लियर, मतलब जो पोलन ग्रेन है वो आपके आर्सीगोनिया के माउथ तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर करंट अर्थात हवा की धारा के साथ। अच्छा अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की या टेरिडोफाइटा की, किसकी बोला ब्रायोफाइटा की या टेरिडोफाइटा की, तो बेटा ब्रायोफाइटा में तो डोमिनेंट फेज ही थी आपकी गैमेटोफिटिक, लेकिन टेरिडोफाइटा की बात करिए भले उसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक थी लेकिन उसका जो गैमेटोफाइट था वो फ्री लिविंग था, उसका गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक था फ्री लिविंग था, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट है उसका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस है, लेकिन इनके केस में जो आपका गैमेटोफाइट है उसका फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस नहीं होगा जिम्नोस्पर्म के केस में, क्लियर। अर्थात मैं बोल सकता हूं अनलाइक इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, अर्थात ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के विरुद्ध जिनमें फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस था, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर का फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस नहीं है। तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा, अगर यहीं से माइक्रोस्पोर अलग हो गया डायड कंडीशन से ही अलग हो गया तो वो खत्म हो जाएंगे, क्लियर। अब अल्टीमेटली अब इधर एक चीज और देखिएगा दोबारा, साइकस डायोशियस होता है, क्लियर, अभी बताया था साइकस डायोशियस, कोनीफर्स आप याद रखिएगा मोनोशियस, क्या बोला कोनीफर्स मोनोशियस, स्टिग्मा स्टाइल अब्सेंट होता है इनमें, और इंडोस्पर्म। अब सवाल बनता है क्या जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म बनता है, बिल्कुल बनता है बेटा, जायगोट आपका डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा, इसके लिए नरिशमेंट चाहिए, इंडोस्पर्म इसमें भी बनता है, लेकिन क्योंकि मेल गैमेट एक डीजनरेट कर जाता है तो इनमें इंडोस्पर्म आपका हैप्लॉइड ही रह जाता है, इसका डिटेल रीजन आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो इंडोस्पर्म इनका फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, एक्चुअली में जो आपकी मेगास्पोर होती है, हल्का सा सुन लो, यही मेगास्पोर डिवाइड करके इंडोस्पर्म जैसी, यही जिसे आप मेगास्पोर बोल रहे हो यही इंडोस्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जो भविष्य में नरिशमेंट दे देती है, उसी को इंडोस्पर्म बोल देते हैं। तो ये सवाल दिमाग में डाल लो कि जिम्नोस्पर्म में जो आपका इंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होगा और फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा, वहीं पर एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, अरे जब ट्रिपल फ्यूजन होगा उसके बाद बनेगा। इतनी बात एक बच्चे को क्लियर है। तो चलिए अब हम जिम्नोस्पर्म की जल्दी से रीडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। चलिए अब हम एनसीईआरटी से जिम्नोस्पर्म की रीडिंग करते हैं जल्दी से बेटा। चलिए देखिएगा, ये आप पहले जल्दी से देख के बताइए, ये आपका जो पहला वाला है, ये जो आपका पहला डायग्राम है ये किसका है, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, देखिएगा इसे, ये साइकस है, देखो साइकिल में दिख रहा है साइकस, बिल्कुल अनब्रांच लग रहा होगा, ये दूसरा वाला पिन जैसा आपका पाइनस है, और लास्ट वाला याद रखिएगा गिंको है, क्या गिंको, इसे हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो गिंको है इसकी डॉट शूट दिखाई, अर्थात थोड़ी सी भाई ग्रोथ नहीं कर पाई, ये इसकी लॉन्ग शूट दिखाई और ये इसके सीड दिखाए, देखो सीड बेटा इसके नेट है, ठीक है, ये किसका डायग्राम साइकस अनब्रांच, गॉट इट, ये आपका पाइनस जो कि ब्रांच ब्रांचेस दिख रही साफ साफ, और ये क्या हुआ आपका गिंको ड्रॉप शूट लॉन्ग शूट और सीड जो कि क्या है नेक्ड। चलिए अब इसे जरा एनसीईआरटी से रीड करते हैं,
जिम्नोस्पर्म। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो मैं आपको बताया था जिम्नोस्पर्म आपके जो होते हैं वो आपके नेग्ड होते हैं, उसके साथ साथ स्पर्मा मतलब सीड, इनके सीड नेग्ड होते हैं, और ये वो प्लांट है जिनमें ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवीवॉल, और हमेशा हमेशा इनके ओव्यूल जो है प्री फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन या पॉली नहीं, तो हमेशा एक्सपोज ही रहेंगे। जो सीड है वो सीड जो है वो डेवलप कब होंगे, वो चाहे एंजियोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो, सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म आपका फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले तैयार हो जाता है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड करते हैं मीडियम साइज ट्री से लेकर टॉल ट्री से टॉल ट्रीज तक, टॉलेस्ट ट्री सिगोया रेडवुड ट्री इसी से बिलोंग करता है आपका। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें श्रब भी होती है लेकिन हब ना के बराबर। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म है जाइंट रेडवुड ट्री सिगोया बताया था, टॉलेस्ट ट्री है। रूट इनकी कैसी होती है बेटा, टैप रूट। अच्छा, इनकी जो रूट होती है जिम्नोस्पर्म की, एग्जांपल दिया था मैंने आपको पाइनस, वो आपका फंजाई के साथ मिलकर माइक्रोराइजा बनाता है, और साइकस ग्लाइकोजन फिक्सन साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड रूट जिसे हम बोलते हैं कोरोलाइड रूट, ठीक है। लीफ इनकी वेल अडॉप्टेड होती है, सिंपल कंपाउंड दोनों होती है आपकी, साइकस की पिनेट्री जो कुछ सालों तक रह सकती है एज इट इज, अर्थात इनकी लीफ जो होती है वेल अडॉप्टेड होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड को झेलने के लिए। कोनीफर में नीडल लाइक लीफ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, रेड्यूस हो जाएगा, थिक क्यूटिकल संकल इसमें बेटा, ये भी वाटर लॉस को कम करने में मदद करते हैं। और याद रखना बेटा स्टेम इनकी अनब्रांच साइकस के केस में, ब्रांच पाइनस और सिट्रस के केस में। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में बेटा दो अलग अलग स्पोर बने थे कि एक ही, एक माइक्रोस्पोर बना था एक मेगा स्पोर बना था, तो इसमें होमोस्पोरस फॉर डेवलपमेंट या हेट्रो, हेट्रोस्पोरस, गुड। जिम्नोस्पर्म और हेट्रोस्पोरस, क्योंकि दो तरीके के स्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, और ये दोनों तरीके के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में, ठीक है, बताया था बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया, और जिन पत्तियों पर लगे होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल मैक्रोस्पोरोफिल, और कौन का नाम मैक्रोस्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिएट, अल्टीमेटली यही सेम बातें पूरे मिलेगी। आप चाहो तो आप इसे बड़े आराम से इग्नोर कर दो, बिल्कुल मत देखो, सिर्फ उसी वाली रिविजन को दोबारा सुनो। इसमें जो सुनने वाली चीज है वो है लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अपोजिट, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ब्रायो में तो होता है। ब्रायो में तो बेटा इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेट करता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और टेरिडो का भले डोमिनेट नहीं करता लेकिन फोटोसिंथेटिक तो होता है, लेकिन जिम्नो में फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहेगा, ठीक है, स्पोरोफाइट में। पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये ध्यान रखने वाली बात है जाएंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ एयर करंट, मतलब एजेंट कौन है यहां पर एयर, एंड ये पहुंचेंगे पॉलन ग्रेन ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल के पास जो कि आपकी मेगा स्पोरोफिल पर होगी, क्लियर। अरे मेगा मतलब ही क्या हुआ, रिलेटेड टू फीमेल, मेगा स्पोरोफिल पर ही बेटा ओव्यूल होंगे इनके। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट, पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को लेकर पहुंचेगी आर्सिगोनिया के पास और रिलीज कर दिए जाएंगे नियर द माउथ ऑफ आर्सिगोनिया, मेल गैमेट रिलीज कर दिए गए, फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रायो में और ओव्यूल डेवलप होगा सीड में, एंड दीज सीड आर नॉट कवर्ड ड्यू टू लैक ऑफ ओवरी, दैट्स इट, दिस इज जिम्नोस्पर्म, दिस इज साइंस सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा फ्लावर। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म एक ऐसा डिवीजन है जिसमें प्लांट मैक्सिमम प्लांट की स्पीसीज आपकी एंजियोस्पर्म में ही आती है, अर्थात अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मैक्सिमम स्पीसीज प्लांट के किस डिवीजन में रखी गई है, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोजिम्नो एंजियो, तो आंसर विल बी एंजियो, मैक्सिमम स्पीसीज बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म। अच्छा, अब अगली बात मेरी गौर से सुनना, प्लांट की बात कर रहा हूं बेटा, प्लांट में पूछे मैक्सिमम स्पीसीज किस डिवीजन में, तो एंजियोस्पर्म। अच्छा, अगर ओवरऑल मैं आपसे एक बात कहूं कि आपका जब इतना बड़ा ग्रुप है एंजियोस्पर्म, तो इससे हमें बहुत सारे फायदे होते होंगे, एंजियोस्पर्म से हमें फूड मिलता है। अरे कॉमन सेंस लगाओ बेटा, एंजियोस्पर्म में क्या है, फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ओवरी है, ओवरी फ्रूट बनाती है, फ्रूट हमारी फूड की तरह है,
फूड है, फॉडर है, फॉडर मतलब चारा, क्लियर, फूड है, फॉडर है, फ्यूल की तरह भी यूज किए जाते हैं एंजियोस्पर्म, और उसके साथ साथ बहुत सारी मेडिसिन है और भी बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो हम एंजियोस्पर्म से ऑब्टेन करते हैं। अब अलग अलग एंजियोस्पर्म की साइज क्या होगी, अलग अलग, मैं हमेशा कहता हूं अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें पाई जाएंगी, ठीक है। अलग अलग एंजियोस्पर्म देखने में कैसे होंगे, अलग अलग होंगे क्योंकि डाइवर्सिटी तो है बेटा, मैक्सिमम स्पीसीज इसी में रखी गई है। एंजियोस्पर्म आपके स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जिसका नाम है वुल्फिया, ठीक है, WOLFFIA, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वुल्फिया जो कि बहुत ही छोटा होता है, उससे लेकर 100 मीटर तक एंजियोस्पर्म हो सकते हैं, जैसे यूकालिप्टस। अच्छा, अब अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स को हमने क्या किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। अर्थात याद रखना, जब भी एनसीईआरटी आपकी मैक्सिमम जगह जब आपको चीजें डिवाइड करके पढ़ाती है, वो क्लासेस में ही डिवाइड करती है, ठीक है। जब आपने फंजाई पढ़ा तो फंजाई की आपने चार क्लासेस पढ़ी, जब आपने फंजाई के बाद आपने एल्गी पढ़ा, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, वो भी एल्गी की क्या है आपकी क्लासेस। वैसे ही डिवीजन एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस है, एक आपकी कहलाती है मोनोकॉट्स, नाम से ही पता चल रहा है कॉटिलीडन कितने होंगे एक, और एक कहलाती है आपकी डाइकॉट्स, नाम से ही पता चल रहा है कॉटिलीडन कितने होंगे टू, क्लियर। अच्छा, मोनोकॉट में अगर हम वेनेशन पूछे कि लीव्स में वेनेशन कैसा होता है, तो मोनोकॉट में लीव्स का वेनेशन होता है पैरेलल, क्या बोला, पैरेलल, और वहीं पर डाइकॉट में लीव का वेनेशन आपका होता है रेटिकुलेट, मतलब जालीदार, क्लियर। अच्छा याद रखना, अगर तुमसे पूछे ऑल मोनोकॉट है पैरेलल वेनेशन, गलत, अधिकतर मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन है, अधिकतर डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है, ऑल मत बोल देना, एक्सेप्शंस हैं जो हम मॉर्फोलॉजी में डील करेंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर हम बात करें मोनोकॉट्स को लेकर, तो वन कॉटिलीडन, डाइकॉट में टू कॉटिलीडन, वेनेशन पैरेलल, वेनेशन रेटिकुलेट। इसके साथ अगर हम मिरर्स कंडीशन देखें कि बेटा कैलिक्स और करोला में जो आपके सेपल है या आप बोल दीजिए पेटल है, ये कितने कितने के सेट में है, तो बेटा मोनोकॉट में ट्राइमेरस कंडीशन होती है, अर्थात जो आपका चाहे कैलिक्स हो चाहे करोला हो उसमें 3-3 यूनिट पाई जाएंगी। मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस कंडीशन, वहीं पर डाइकॉट में टेट्रा और पेंटामेरस कंडीशन पाई जा सकती है। अर्थात टेट्रा में क्या होगा बेटा, कैलिक्स करोला में 4-4 की यूनिट में पाए जाएंगे, पेंटा में क्या होगा आपके 5-5 की यूनिट में पाए जाएंगे। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म डिवीजन, जिसको हमने क्या किया, दो क्लासेस में बांटा, मोनोकॉट डाइकॉट, सिंगल कॉटिलेडॉन टू कॉटिलेडॉन, वेनेशन पैरेलल, वेनेशन रेटिकुलेट। मेरस कंडीशन देखी गई तो ट्राइमेरस और डाइकॉट में टेट्रा और पेंटामेरस पाई जा सकती है, ठीक है। चलो आपका ये डायग्राम देख लो, दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में इतना जूम करके तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डायग्राम देख लो, दिमाग में रखना, ये वाला आपका है डाइकॉट और ये वाला आपका है मोनोकॉट, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखो, दोबारा देख लो, येलो फ्लावर वाला एग्जाम में क्या फ्लावर देखोगे, अगर ऑनलाइन होगा तो फ्लावर दिख जाता तुम्हें कलर। अभी ऐसे दिमाग रखो कि बेटा ये थोड़ा घास जैसा लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका मोनोकॉट, और तो फिर बचा हुआ ये आपका क्या होगा डाइकॉट। इतनी बातें एक एक बच्चे को क्लियर हो गई होगी, और इस तरीके से हमने पूरा एंजियोस्पर्म